गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने आपसे डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसमें हमने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर इक्वल आर वाली जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसका ये मेथड था चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें हम इक्वेशन जो हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर था उसको हमने किस में बदल लिया था, जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, ये हमारे पास स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम इसको करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन चेंज हो जाती है जेड में, यानी इक्वेशन चेंज हो क्या आती है डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इक्वल टू आर वन। ये अब जो ऊपर जो पी क्यू आर आ रहे थे ऑल आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, और जब नीचे की जो इक्वेशन जो मैंने नीले कलर में लिखी है ब्लू कलर में, वहां पर P1, Q1, R1 जो है वो फंक्शन ऑफ Z आएंगे आपके पास, ठीक है। फंक्शन तो ये सारे X के हैं, बट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ Z हमने इसको किया है क्योंकि हमने इसको चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदल लिया था। तो अब यहाँ पर मैंने इसकी पहले भी वैल्यू बताई थी, P1 आपके पास क्या था, P1 जो था उसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये P1 जो है दिस इज इक्वल टू आपके पास था कैपिटल P dz by dx dz by dx plus d2 z by dx square upon नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है dz by dx का whole square, ठीक है। और q1 जो था वो अब q1 की वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी, बाकी वैल्यूज तो आपके पास इमीडिएट याद हो जाएगी, ये है। और R1 जो था वो था R अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। देखिए नीचे सब में dz by dx का होल स्क्वायर आ रहा है, सिर्फ P1 में ही जो है वहां P में पास आ रहा है, P1 आ रहा है P dz by dx plus d2z by dx स्क्वायर, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज आपको वहां याद होनी चाहिए, उसके बाद हम इसकी वैल्यूज को निकाल के इस इक्वेशन में P1 की वैल्यू को इसी इक्वेशन में P2 की वैल्यू को रखते थे, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको यहाँ से P1 की वैल्यू ये निकालेंगे जो आ जाएगी, Q1 की वैल्यू यहाँ से जो आएगी और R1 की वैल्यू यहाँ से जो आएगी। अब हम जब Q1 की वैल्यू को निकालते थे तो हम यहाँ Q1 को सेट करते थे अकॉर्डिंग टू दिस Q1 जो आपको दिया हुआ होता था, उसके अकॉर्डिंग हम इसका मान मानते थे और हम कहते थे अगर P1 इक्वल टू सपोज कीजिए P1 को अगर हम जीरो करते थे तो हम क्या कहते थे This term equal to zero, this term equal to zero, और फिर हम उसको उससे सॉल्व करते थे। तो दो तरीके मैंने आपको बताया था कि जब z को चूज करने का तरीका होता है वो आप किस तरीके से इसको चूज करेंगे। तो मैं एक आध क्वेश्चन अभी इस पे कराता हूँ तो थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, सॉल्व x क्यूब माइनस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन स्क्वायर एक्स क्यूब वाई इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन मुझे दी है, सॉल्व करना है मुझे इस इक्वेशन को, ठीक है ना। तो देखो भाई कैसे सॉल्व होगी। सबसे पहले मेरे को यहाँ इक्वेशन जो है उसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन बनाना है, इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स जो है उसको थ्रू आउट इक्वेशन से मुझे डिवाइड करना है, थ्रू आउट इस इक्वेशन से डिवाइड करना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स और ये आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले मेरे को डिवाइड करना है वन अपॉन
एक्स क्यूब माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब यहां पर मैं लिखता हूं हियर पी जो है, यहां पर हियर कैपिटल पी इक्वल टू, इसको अगर x को कॉमन निकाल लूं तो जरा ये आ जाएगा मेरे पास। सिमिलरली q को अगर मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ जो बाहर x आ रहा था वो ऊपर कट गया और r इक्वल टू मेरे पास जीरो आ ही रहा है। ठीक है, अब जब चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम इसको करते हैं, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x टू z, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम एक्स टू जेड, तो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इक्वेशन को तो वो किस रूप में आ जाती है, डी टू जेड डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी जेड बाई डी एक्स प्लस क्यू वन वाई, क्या गलत लिखे जा रहा हूं, ये पी वन डी वाई बाई डी जेड इक्वल टू आर वन। ठीक है, अब यहां पर मेरे को पी वन जो है वो क्या चीज है उसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं यहां पर P1 की जगह सीधा Q1 हमारे पास आसान हो जाता है चूज करने में, तो लेट अस चूज Z सच दैट Q1 दिस इज इक्वल टू Q अपॉन, क्या लिखा था अभी मैंने ऊपर, dz by dx का होल स्क्वायर, तो q तो मेरे पास क्या था वहां पर n स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर q1 को इसके अकॉर्डिंग चूज करूंगा, इसके अकॉर्डिंग इस q1 को मुझे लेना है, तो क्या मैं यहाँ पर q1 को n स्क्वायर ले लू, वैसे तो मैं वन भी ले सकता हूँ क्योंकि एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर ही बन रहे, तो मैं अगर यहां सपोज कीजिए क्यू वन को एन स्क्वायर अगर ले रहा हूं, एन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही आएगी टर्म, और जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये तो होल स्क्वायर है तो मुझे होल स्क्वायर की भी वैल्यू चाहिए, तो यहां से आ जाएगी डी जेड बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन रेस टू द पावर हाफ। ठीक है ना, अंडर रूट हो जाएगा ये। अब ये तो मेरे पास dz by dx की वैल्यू आई है, dz by dz की इसकी वैल्यू मेरे पास आई है, तो यहां से z की वैल्यू मैं जरा निकाल लूं, z की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, तो इसे मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास z की वैल्यू यहां से आ जाएगी, z इक्वल टू आप इसको करके देख लेना एक्स स्क्वायर माइनस वन और अंडर रूट। ठीक है, डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू आपके ऑलरेडी आ गई ना, डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू ये है आपके पास, ठीक है ना, और डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आप इसमें से निकाल सकते हैं, डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू के साथ इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहां से आपके पास आ जाएगी डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आएगी,
इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 3 बाई 2 प्लस की 3 बाई 2। अब इन सब की वैल्यू को मुझे, क्योंकि क्यू वन तो मैंने ले ही रखा है एन स्क्वायर के बराबर, अब मुझे इसका निकालना है पी वन, तो ये सारी वैल्यू पी वन में मुझे सब्सटीट्यूट करनी है। तो पी वन इक्वल टू क्या था, पी, और पी ऊपर मैंने क्या लिखा था, 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर था डी जेड बाई डी एक्स, यही था ना। तो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू अभी मैंने निकाली है, वो थी x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेस टू द पावर हाफ प्लस डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाली ऊपर, ये आपके पास है 3 बाई 2, ठीक है, माइनस की। तो इस x से इस x को काट दो तो दिस इज इक्वल टू 0, नीचे वाले का मुझे काम काम ही नहीं पड़ा, डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर का जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी पी वन की वैल्यू यहाँ पर शून्य हो गई हमारे पास। तो अब मेरे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, पी वन इक्वल टू 0, क्यू वन इक्वल टू एन स्क्वायर एंड आर वन इक्वल टू 0। इन सारी वैल्यू से मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन के आ गई, डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन हो गया था 0, क्यू वन हो गया एन स्क्वायर, ये यार क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी जेड स्क्वायर, इक्वेशन जो है वो वेरिएबल में बदल गई ना, दिस इज इक्वल टू 8 0। तो ये मेरे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट की इक्वेशन बन गई, मैं इसका सी एफ निकाल सकता हूँ और सी एफ निकाल के मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो क्या बन गई, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा एन, इसका मतलब सी एफ इज कितना हो गया, सी एफ जो हो गया वो मेरे पास हो गया वाई इक्वल टू सी वन कॉस ऑफ एन जेड, एक्स में मत लिखना, सी टू साइन ऑफ एन जेड, और जरा जेड को ऊपर हमने क्या निकाला था याद करो, जेड हमारे पास क्या आया था, जेड आया था वाई इक्वल टू सी वन कॉस ऑफ एन जेड आया था मेरे ख्याल से, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, प्लस सी टू साइन एक्स साइन एन साइन एन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो एक आध और क्वेश्चन मैं इस पे बताता हूँ कि हमको इसमें करना क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस से ही आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 कॉस लॉग 1 प्लस एक्स, ये मेरे पास इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको मुझे सॉल्व करना, लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 कॉस लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना, क्योंकि अभी तो हमें पता है कि चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से करना है, लेकिन वहां आपको नहीं पता होगा, अगर वहां आता है अप्लाई चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू सॉल्व दी फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तब तो आप बन जाओगे कि आपको उसी से करना है, अदरवाइज आप सबसे पहले क्या लगाओगे, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 या 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, इस टाइप से आप एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालोगे, उसके बाद उसको वी निकालोगे, अगर उसमें हम फेल हो जाते हैं तो फिर हम सेकंड वाला अप्लाई करते हैं मेथड, और सेकंड से फेल हो जाएंगे तो फिर हम थर्ड वाले मेथड पाएंगे, तो वहाँ इतना समय नहीं मिलेगा कि आप मेथड को अप्लाई करोगे और टाइम बिगाड़ोगे, आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि इक्वेशन में आपका मेथड कौन सा यूज हो रहा है, और जब सारे मेथड फेल हो जाते हैं तो फिर मेन मेथड आपका आता है वेरिएबल
तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे को इसका डी टू वाई बाई डी एक्स कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, तो मुझे थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1/1 + x से। तो ये ऊपर से एक कटेगा तो 1 + x नीचे आ जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस इधर क्या था वाई, इस पे पूरा ही रहेगा ये 1 + x का होल स्क्वायर, ये वाई इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 cos log(1+x) और ये हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। देखिए ये इक्वेशन आपके पास बन गई। अब इस इक्वेशन को अगर मैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ तो पी जो आएगा वो मेरे पास आएगा 1/1+x, है ना। क्यू कितना आएगा 1/1+x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना, और आर जो आएगा दिस इज इक्वल टू 4 cos log(1+x)/(1+x)का होल स्क्वायर। ओके अब यहाँ पर P1, P, Q और R आ गए, इसका मतलब अब हम यहाँ लिखेंगे चूज जेड, हम जेड को चूज करेंगे सच दैट Q1। अब देखिए Q1 को मैं किस टाइप से निकाल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, Q1 इक्वल टू Q/dz/dx का होल स्क्वायर। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, मैं Q1 को क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले मेरा Q क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं Q1 को लिखूंगा। ये Q है मेरा यहाँ पर dz/dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो Q बहुत आसान हो गया, आप 1 ले लीजिए तो सीधा इसका स्क्वायर आपका खुल जाएगा, यानी मैं यहाँ पर Q1 = 1 लेता हूँ। दिस इंप्लाइज 1/1+x का होल स्क्वायर/dz/dx का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज dz/dx = 1/1+x, ये आएगा ना dz/dx की वैल्यू। तो यहाँ से जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट हम अगर कर दे z = log(1+x)/(1x) का अगर हम करेंगे तो d2z/dx² की वैल्यू क्या आएगी, d2z/dx² की वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ d2z/dx² दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 1/1+x का होल स्क्वायर। इन तीनों वैल्यू को मुझे मेरे P1 में सब्स्टिट्यूट करना है। विद दिस वैल्यूज ऑफ जेड वी फाइंड P1। तो हम इसको P1 में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हियर P1 = P dz/dx + d2z/dx² / d z/dx² होल स्क्वायर। बहुत समय हमारे पास P1 = 0 आ जाता है, हो सकता है इसमें शायद हमारे पास P1 = 0 नहीं भी आए, हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर P1 = 0 नहीं आएगा तो थोड़ी इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ जरा हम करके देख लेते हैं, पी पी की वैल्यू क्या थी मेरे पास ऊपर 1/1+x, और dz/dx की वैल्यू क्या आई थी अभी हमारे पास यहाँ पर, ये भी 1/1+x ही आई थी। ओके और d2z/dx² की वैल्यू आई थी ये, तो ये तो ऊपर ही कट गया सारा, इसकी नीचे की जरूरत ही नहीं पड़ी, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और तो P1 = 0, Q1 मैंने माना था 1, और R इसमें निकल रहा है क्या, हाँ R1 तो मैंने निकाला ही नहीं है, R1 की वैल्यू जो है, R1 मुझे निकालना था, R1 = कितना था, R R था 4 cos log(1+x)/(1+x) का होल स्क्वायर, ये आपके पास था R1। तो दिस इज इक्वल टू 4 ऑफ या 1+, ये भी तो आएगा ना dz/dx का होल स्क्वायर, तो मैं लिख ही रहा हूँ यहाँ पर आएगा 1+x का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ वैल्यू निकली थी ये, तो ये आ जाएगा 4 cos log(1+x),
आर वन इन टर्म्स ऑफ जेड अगर लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, आर वन इन टर्म्स ऑफ जेड अगर लिखूंगा तो मेरे पास आर वन की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 4 cos of z, क्योंकि जेड मेरे पास क्या था, log 1 plus x, दिस इज इक्वल टू जेड। अब इन सब की वैल्यू को मैं अपनी उस स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख देता हूँ जो मैंने ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बनाई थी। वो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या थी, t2y by dz² + p1 dy by dz + q1y = r1। अब पी वन क्यू वन आर वन की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना और फिर हमें सॉल्व करना है। तो ये हो गया t2y by dz² जब चेंज हो गई इक्वेशन, p आपके पास 0 हो गया, q1 आपने क्या लिया था, 1 लिया था, 1 लिया था ना, हाँ, और r1 आपके पास है 4 cos of z, cos of z है आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं ये पूरी इक्वेशन z में लिखी हुई है z, ठीक। तो हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² + 1 = 0, यही होगी ना, m² + 1 = 0। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का आयोटा, और m m अगर मेरे पास प्लस माइनस का आयोटा आया तो दिस इंप्लाइज सी एफ मीन्स y इक्वल टू सी वन कॉस ऑफ कितना आ जाएगा z प्लस सी टू साइन z। तो सी वन कॉस z की वैल्यू क्या थी आपके पास, जेड मेरे पास लॉग वन प्लस एक्स आया था ना, प्लस सी टू साइन लॉग वन प्लस एक्स। ये तो देखो सी एफ आया, बट इधर देखो पी आई भी आएगा क्योंकि आर प्रेजेंट है इधर, तो नाउ पी आई दिस इज इक्वल टू, पी आई क्या था आपके पास, दिस इज इक्वल टू 1/d² - 1 cos of z, दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट टाइम में केस फेलियर हो गया, या केस फेलियर हो रहा है ना, फोर भी है यहाँ, तो ये फोर ये आपके पास देखिए जीरो हो गया, यानी f ऑफ d जो है वो जीरो हो गया, यानी यह आपका केस फेलियर हो रहा है, ठीक है। और जब केस फेलियर होता है तो हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक जेड तो ऊपर आ जाता है और ये हो जाएगा 2d, और ये 4 तो बाहर था ही, और ये cos of z, तो इससे इसको काट दो तो ये बनेगा 2z इंटीग्रल ऑफ cos z dz, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2z sin of z। अब z की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दे तो ये हमारे पास pi आ जाएगा, दिस इंप्लाइज pi इक्वल टू जेड, जेड था मेरे पास लॉग वन प्लस एक्स साइन लॉग वन प्लस एक्स, इतना बड़ा पी आई आया। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और सी एफ मेरे पास ऊपर से लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका तो सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो गया, वाई इक्वल टू सी वन cos log 1 plus x plus c2 sin log 1 plus x plus pi, अभी pi मैंने निकाला था, 2 log 1 plus x sin log 1 plus x, this is the required solution। अब देख लीजिए कहीं अगर कोई गलती हो रही हो तो उसको चेक कर लीजिए, प्लस माइनस की कोई गलती हो तो, इस टाइप से हमें हमारे क्वेश्चंस को करना है। तो ये आर्टिकल भी आज आपका खत्म हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम नेक्स्ट जो आपको आर्टिकल कराएंगे वो कराएंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला जो आपका, ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपका है, ठीक है ना, क्योंकि जो सॉल्यूशन हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के नहीं होंगे वो हम इससे करने की कोशिश करेंगे, और इसका भी आपको थोड़ा आसान तरीका बताएंगे जिससे कि इस मेथड से वैसे ही सब घबरा जाते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। थैंक यू।